हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। मैं आपको तीन क्वेश्चंस के बहुत क्लियरली आंसर दूंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहला, बंधन बैंक को इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक क्यों माना जाता है। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं बंधन बैंक की, और अगर इसको बाकी बैंक के साथ कंपेयर करूं तो रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे निकल के आए थे बंधन बैंक के। और तीसरा, आपने सुना होगा कि एक दिन में बंधन बैंक का शेयर 10% तक नीचे चला गया था और थोड़ा नीचे आया इसका शेयर पिछले कुछ दिनों में, इसके पीछे रीजन क्या है। और इन सब क्वेश्चंस के आंसर के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बंधन बैंक सबसे पहली बार न्यूज में मार्च 2018 में आता है, जब लोगों को पता चलता है कि ऐसे बैंक का आईपीओ आने वाला है जिसके 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं माइक्रो लैंडिंग के। और माइक्रो लैंडिंग का कॉन्सेप्ट तब बहुत बिल्कुल नया हुआ करता था, और तब लोगों को पहली बार पता चला कि एक ऐसा बैंक आने वाला है जो बहुत लो इनकम वाले लोगों को बहुत कम कम टिकट साइज में अपना लोन देता है। तो लोगों को पता चला कि इस बिजनेस मॉडल में रिस्क बहुत कम है, अगर सामने वाली पार्टी पैसा वापस नहीं करती तो इसका तब आईपीओ अनाउंस होता है। और आईपीओ का प्राइस रखा जाता है 370 to 375, और बहुत से लोग इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं, 15 से 20 गुना सब्सक्राइब होता है एज पर द आईपीओ डिटेल्स। और जब इसकी लिस्टिंग होती है दोस्तों, और जिस जिसको ये आईपीओ मिलता है और पहले दिन ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है लिस्ट होने के बाद। अगर मैं लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो बीएससी पे बंधन बैंक का आईपीओ 485 और एनएससी पे 499 रुपीस पे लिस्ट होता है, और लोगों को पहले दिन ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जहां से कहानी शुरू होती है बंधन बैंक की। और बंधन बैंक को अगर मैं आपको फिर से थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो ये माइक्रो लैंडिंग में अपना काम करता है। माइक्रो लैंडिंग अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में आपको बताएं, अब तो काफी कॉम्पिटिटर्स है बंधन बैंक के, लेकिन माइक्रो लैंडिंग में ऐसा होता है कि ये स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना के एक कम इनकम वाले लोगों को बहुत स्मॉल टिकट पे अपना पैसा लैंड करते हैं, और वहां पे इनका क्या होता है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है और वहां पे इनका रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि रिस्क इनका डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करता हूं कि बंधन बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि बैंक की जो मेजर इनकम होती है वो कैसे निकल के आती है। लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं जिसपे बैंक एक इंटरेस्ट देता है लोगों को अपना पैसा रखने के लिए, और वही पैसा बैंक आगे लेंड करता है, और बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए एक अर्निंग होती है जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोला जाता है। अगर मैं बंधन बैंक की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बंधन बैंक लो इनकम ग्रुप को बहुत छोटे छोटे साइज में लोन देता है, और जब भी ये छोटे साइज में लोन देता है तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है क्योंकि बंधन बैंक का कासा रेशो काफी अच्छा है, जिसके बारे में डिटेल में आगे जाके बात करूंगा, जिसकी वजह से इसको पैसा तो नॉर्मल प्राइस पे मिल जाता है लेकिन जहां पे आगे लोन देता है वहां पे हायर प्राइस चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो इसको बना देता है इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक। इसके डिटेल्स के बारे में अभी बात करूंगा सेकंड पार्ट में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रेशियोज कैसी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, और अगर इसको मैं बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे कितने का डेल्टा निकल के आता है। अब मुझे लगता है कि आपको बंधन बैंक का ओवरऑल बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा कि ये बाकी बैंक से डिफरेंट कैसे है। चलिए मैं बात करता हूँ बंधन बैंक के रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, और आपको मैं ट्राई करूंगा समझाने की कि अगर मैं इसको बाकी बैंक के साथ कंपेयर करूं तो इसका बिजनेस मॉडल कैसे अलग है और अलग अलग पैरामीटर्स इस बैंक के लिए कैसे बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल रिजल्ट की चली है तो इस चीज को भी हम अपने पहले पार्ट के साथ लिंक करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। अगर मैं बंधन बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो ये परसेंटेज रिसेंट के क्वार्टर में 8.15% निकल के आती है। इसको अगर मैं पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करता हूं तो लास्ट क्वार्टर ये नंबर हुआ करता था 8.63%। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बंधन बैंक के लिए थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के दो सबसे बड़े प्लेयर HDFC और ICICI बैंक कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% है और ICICI बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.69% है, जिसके कंपैरिजन में बंधन बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल है या डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके लिए बोला जाता है बंधन बैंक को इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक, जिसके पीछे जो रीजन है मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो लैंडिंग में है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा निकल के आता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि कासा रेशो कितना है बंधन बैंक के केस में। नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हर प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी बैंक के लिए कासा रेशो 40% से ऊपर होना एक अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो HDFC बैंक का कासा रेशो
40% का है, आईसीआईसी बैंक का कासा रेशो 41% का है। वहीं पर अगर अब मैं बंधन बैंक की बात करता हूं तो बंधन बैंक का जो कासा रेशो है वो 45% से भी ज्यादा का निकल के आता है। तो कासा रेशो का मतलब ये होता है कि बैंक को कितना पैसा सस्ते दाम में मिलता है, जिसकी वजह से ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा कमा पाता है। तो दोस्तों अगर आप पूरी चेन को जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कि बंधन बैंक को कासा रेशो से काफी सस्ते दाम पे पैसा मिलता है, जहां से 45% से ज्यादा इनका कासा रेशो है, और वो पैसा ये आगे हायर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जिसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बाद अब हम चलते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। अब बात करते हैं कि बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है, इनका ग्रोस एनपीए कैसा है और नेट एनपीए कैसा है, और ये बाकी बैंक के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। ग्रोस एनपीए की अगर मैं बात करता हूं बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का ग्रोस एनपीए 1.43% का है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब इनका ग्रोस एनपीए हुआ करता था 1.47%, जिसके कंपेरिजन में इसका ग्रोस एनपीए थोड़ा सा नीचे आया है। मतलब कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी इसका ग्रोस एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अब मैं बात करता हूं बाकी बैंक्स की कि उनका ग्रोस एनपीए कैसा है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इसका ग्रोस एनपीए 1.36% का है, वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोस एनपीए 5.46% का है। मतलब कि दोनों के कंपैरिजन में बंधन बैंक का ग्रोस एनपीए काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर आपको मैं सीधा बताऊं तो आप डायरेक्टली ग्रोस एनपीए को कंपेयर नहीं कर सकते बाकी इन बैंक्स के साथ। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बंधन बैंक और बाकी बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है, जिसकी वजह से बंधन बैंक में ग्रोस एनपीए थोड़ा कम ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। इसके बाद मैं बात करता हूं नेट एनपीए की, तो बंधन बैंक का नेट एनपीए निकल के आता है 0.48% का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तब इनका नेट एनपीए हुआ करता था 0.58%, जिसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में इनका नेट एनपीए काफी नीचे आया है। तो एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी में बहुत बड़ा कोई रेड फ्लैग नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनका ग्रोस एनपीए भी नीचे को आया है और इनका नेट एनपीए भी नीचे आया है एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक के लिए। हमने शायद येस बैंक के केस में आपको समझाया था कि येस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 7-8% के आसपास है, जो कि काफी रिस्की माना जाता है, जिसके चलते येस बैंक ने एफपीओ भी रेज किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो तब आपको एग्जांपल दिया जाता था कि अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19% के आसपास का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। वहीं पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो उनका भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% से काफी ऊपर है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। क्या आपको पता है कि बंधन बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा है, और ये परसेंटेज 24.5% के आसपास का है। मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बंधन बैंक के ऊपर कोई ऐसा रिस्क हमें देखने को नहीं मिलता है, और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज पर रेगुलेशन काफी ऊपर है। इनको आने वाले टाइम में कोई रिस्क ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा एज पर द परसेंटेज जो बंधन बैंक ने अभी रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट में बताया है। और अगर हम इसको बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये रेशियो वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो माना जा सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि बंधन बैंक ने रिसेंट के क्वार्टर में बताया था कि उनको 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, बट अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें 32% का ड्रॉप देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 1574 करोड़ का अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 17% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया है एज कम्पेयर टू सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। वैसे ही नेट इंटरेस्ट इनकम इन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो है 1811 करोड़ का, और यहाँ पे भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अराउंड 15%। तो दोस्तों ये तो था फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पार्ट टू, जिसमें मैंने आपको पूरा बंधन बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताया और इसको कंपेयर किया अलग अलग बैंक्स के साथ। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं बंधन बैंक के शेयर प्राइस के बारे में। मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं कि बंधन बैंक का जो शेयर प्राइस है पिछले कुछ दिनों में एक दिन में ही 10% नीचे क्यों गया था, उसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों अगर हम रीजन की बात करें कि मंडे को बंधन बैंक का शेयर प्राइस 10% से नीचे क्यों चला गया था, तो इसके पीछे जो रीजन है वो है ब्लॉक डील का। अगर मैं ब्लॉक डील के बारे में बताऊं कि जब कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा शेयर्स एक टाइम पे सेल करती है तो वो ब्लॉक डील के थ्रू सेल किए जाते हैं, और ये जो डील होती है ब्लॉक डील नॉर्मली एक्सचेंज के थ्रू काम करती है, एक्सचेंज के थ्रू बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को बंधन बैंक ने सबसे बड़ी ब्लॉक डील की थी, जो भी बैंकिंग सेक्टर की अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉक डील मानी जाती है जो कभी भी एक्सचेंज के थ्रू की गई थी। अगर मैं बात करूं कि इस ब्लॉक डील के थ्रू टोटल 333 मिलियन के आसपास के शेयर्स बेचे गए थे, और जब जो भी ये सारे शेयर्स बेचे गए थे इनको 9% के डिस्काउंट पे बेचा गया था
एज कम्पेयर टू फ्राइडेज लास्ट क्लोजिंग प्राइस। तो दोस्तों फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस की कंपैरिजन में जब मंडे को इस कंपनी के 333 मिलियन के आसपास के शेयर बिके, वो भी 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाना बनता था, और जिसकी वजह से बंधन बैंक का शेयर प्राइस नीचे को चला गया। तो अब ये क्वेश्चन ये सामने आता है कि बंधन बैंक ने ब्लॉक डील क्यों की। इसके पीछे जो रीजन है वो है, रिजर्व बैंक ने काफी टाइम पहले से बोल के रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो रिजर्व बैंक ने बोला है कि प्रमोटर को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, और प्रमोटर को अपनी होल्डिंग कम करने का एक ही तरीका है कि उनको अपने शेयर होल्डिंग में से अपने शेयर्स को बेचना पड़ेगा, जिसके चलते बंधन बैंक ने अपनी शेयर होल्डिंग को बेचा ताकि वो प्रमोटर होल्डिंग को नीचे लेके आ सके। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे एक सेम और केस की बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक के केस में भी यही सेम केस है, जहां पे उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनके प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, और वहां पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार उनको बोल रहा है कि आने वाले टाइम में उनको अपने शेयर होल्डिंग में से अपने स्टेक को कट करना पड़ेगा। लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कोटक महिंद्रा ऐसा कब करता है, लेकिन बंधन बैंक ने रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के चलते अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में से अपने स्टेक को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ब्लॉक डील के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ब्लॉक डील में जो मेजर बायर्स थे वो FPIs थी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मतलब कि FPIs ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बंधन बैंक के केस में। और उस दिन का अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो टोटल FPI बाइंग बहुत ज्यादा आपको दिखेगी मंडे के केस में, क्योंकि वो डेटा पूरे तरीके से स्क्यू है, उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग की थी जो ब्लॉक डील हुआ था वो बंधन बैंक के केस में। तो मैक्सिमम जो बाइंग की गई थी वो FPIs के द्वारा की गई थी, और जो सेलिंग की गई थी वो प्रमोटर ग्रुप ने की थी अपने शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए एज पर RBI गाइडलाइंस। तो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से बंधन बैंक का शेयर प्राइस एक दिन में ही 10% के आसपास नीचे चला गया था। तो दोस्तों जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, हम आपको बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते थे, और ना ही हम आने वाली किसी भी वीडियो में आपको बाइंग या सेलिंग करने का कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आपको बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों अपना आंसर लिखते टाइम आप उसके नीचे अपना रीजन भी लिख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें जहां पे हम एक दूसरे से फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।